इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो लार्ज साइज की डॉग ब्रीड रॉटवाइलर और सेंट बर्नार्ड को और देखेंगे कि कौन है इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन, रॉटवाइलर का ओरिजिन जर्मनी से है और इन्हें एज अ हर्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था ताकि ये भेड़ और बकरियों को एक साथ एक झुंड में रख सके, लेकिन बाद में इन्हें कार्ट्स को पुल करने के लिए यूज किया जाता था, सामानों को खींचने के लिए यूज किया जाता था क्योंकि ये काफी ज्यादा मस्कुलर और पावरफुल होते थे। सेंट बर्नार्ड का ओरिजिन स्विट्जरलैंड से है और सेंट बर्नार्ड को इसलिए ब्रीड किया गया था ताकि ये बर्फ में फंसे हुए लोगों की जान बचा सकें, उनकी मदद कर सकें, उनको बाहर निकाले, वो जो लोग फंसे हुए हैं बर्फ में उनको ढूंढे, तो इस सब काम के लिए इनको यूज किया जाता था विथ फैमिली एंड किड्स। इसी में हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि ये दोनों ही डॉग ब्रीड्स फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए कैसे हैं। तो देखो, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो सीधे सीधे बात है, सेंट बर्नार्ड की तरफ जाओ। अब मैं जानता हूं कुछ एक्सेप्शंस हैं जो रॉटवाइलर को अच्छे से संभाल लेते हैं, वो बहुत कम लोग संभाल पाते हैं, लेकिन कुछ लोग संभाल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रॉटवाइलर को ठीक से नहीं संभाल पाते एज अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर। इसीलिए अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो, आपको डॉग रखने का एक्सपीरियंस नहीं है और आप इन दोनों में से किसी एक डॉग को लेना चाहते हो तो सेंट बर्नार्ड को आप ले सकते हो। रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए अच्छे नहीं है। अब बात रही फैमिली के साथ कैसे हैं, तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो सेंट बर्नार्ड फैमिली के साथ काफी अच्छा और केयरिंग ऑप्शन आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप एक सेकेंड टाइम डॉग ओनर हो, अगर आपके पास डॉग रखने का एक्सपीरियंस है, आप अच्छे से ट्रेन और सोशलाइज करवा सकते हो, तो रॉटवाइलर भी काफी अच्छे से फैमिली एंड किड्स के साथ रह सकते हैं। हाइट एंड वेट, रॉटवाइलर का एवरेज हाइट 25 इंचेस रहता है और रॉटवाइलर का एवरेज वेट 45 kg रहता है। मेल्स जो होते हैं वो फीमेल से ज्यादा बड़े और भारी होते हैं। सेंट बर्नार्ड की बात करें तो सेंट बर्नार्ड का जो हाइट होता है वो 28 इंचेस होता है और वेट 64 kg होता है। ये दोनों में एवरेज बता रहा हूं, जहां मेल्स का जो हाइट और वेट है वो फीमेल से ज्यादा होता है। लाइफ स्पैन, रॉटवाइलर और सेंट बर्नार्ड दोनों का ही लाइफ स्पैन 8 से लेकर 10 साल तक का होता है। प्राइस, अब बात रही प्राइस की, तो आप कोई भी ब्रीड का डॉग लो, कोई सा भी डॉग लो, उसकी प्राइस उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अगर वो चैंपियन का बच्चा है तो उसकी प्राइस उतनी ही हाई होगी, अगर नॉर्मल क्वालिटी का है तो नॉर्मल प्राइस होगी। तो फिर भी मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ। तो अगर आप एक एवरेज क्वालिटी का पपी एक नॉर्मल से पेट शॉप से लेते हो तो रॉटवाइलर का पपी आपको मिल जाएगा अराउंड 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में। और सेंट बर्नार्ड की बात करें तो सेंट बर्नार्ड का भी सेम केस होगा, अगर आप एक नॉर्मल क्वालिटी का सेंट बर्नार्ड एक पेट शॉप से लेते हो तो 25,000 के आसपास आपको एक सेंट बर्नार्ड का पपी मिल जाएगा। इंटेलिजेंस, वर्ल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में रॉटवाइलर नंबर 9th पे है और सेंट बर्नार्ड 123 पे है। तो रॉटवाइलर तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सेंट बर्नार्ड की इंटेलिजेंस एवरेज होती है। एडेप्टेबिलिटी एंड लिविंग, अगर आप एक सेंट बर्नार्ड या एक रॉटवाइलर को मीडियम या लार्ज साइज के अपार्टमेंट या फ्लैट में रख रहे हो तो आपको इनको दिन में 2 बार 45 मिनट की वॉक जरूर करवानी चाहिए ताकि इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। सेंट बर्नार्ड और रॉटवाइलर पूरे इंडिया में रह तो सकते हैं कहीं भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप सेंट बर्नार्ड को घर में ही रखो और ट्राई करो कि जहां भी आप सेंट बर्नार्ड को रख रहे हो वहां उसे बचपन से रखो और एक अच्छे ब्रीडर से सेंट बर्नार्ड को लो जिसके पेरेंट्स पहले से ही इंडिया में रह रहे हो। रॉटवाइलर तो कहीं भी रह सकता है इंडिया में, आपने देखा ही होगा ऑल ओवर द इंडिया रॉटवाइलर हर जगह रहते हैं, बट बात यह है कि इन्हें ठंडी ज्यादा पसंद नहीं होती, थोड़ी बहुत सह लेते हैं, बट अगर बाहर बहुत ज्यादा ही ठंडी है तो आप इनको भी घर में ही रखिए और जहां भी इन्हें रख रहे हैं बचपन से रखिए। ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रॉटवाइलर वर्ल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में नंबर 9th पे है, तो ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप इन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं, जो मन चाहे वो सिखाइए, बहुत ही ट्रेनेबल होते हैं, आप इन्हें बहुत ईजिली ट्रेन कर सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन सेंट बर्नार्ड की बात रही तो वो नंबर 123rd पे आता है, तो आप समझ रहे हो ना कि उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी एवरेज होती है, आपको थोड़ी एफर्ट्स लगाने होंगे ट्रेन करने के लिए। ऐसा नहीं उनको ट्रेन करना इम्पॉसिबल है, उनको भी ट्रेन कर सकते हो, बट रॉटवाइलर के मुकाबले थोड़ा हार्ड होगा।
वॉच डॉग एंड गार्ड डॉग एबिलिटी। देखो, अगर आपके पास आपका सेंट बर्नार्ड है, वो आपके साथ चल रहा है, तो वो इतने बड़े दिखते हैं, इतने डरावने दिखते हैं कि आपको कोई टच नहीं करने वाला। आप सोच रहे हो ना, आपके साथ इतना बड़ा सा एक डॉग चल रहा है, कौन पागल आपको टच करेगा, है ना। लेकिन यार वो गार्ड डॉग नहीं होते, सेंट बर्नार्ड असली में बहुत ही प्यारे नेचर के होते हैं। उनको लोगों से मिलना, लोगों के साथ फ्रेंडली रहना पसंद होता है। वो वॉच डॉग का काम कर सकते हैं, मतलब अगर आपके घर पे कोई स्ट्रेंजर वगैरह आया तो वो भौंक के आपको अलर्ट कर देंगे, लेकिन वो गार्ड वाला काम नहीं कर पाएंगे। वो आप मतलब अटैकिंग नेचर के नहीं होते हैं। दूसरी तरफ रॉटवाइलर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं, और मतलब इतना बड़ा सा डॉग, इतना खतरनाक सा डॉग अगर आपके साथ चलता है तो लोग आपसे दूर ही रहेंगे यार, आपको कोई परेशान नहीं करने वाला। और रॉटवाइलर काफ़ी अच्छे वॉच डॉग भी होते हैं और काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं। मतलब अगर आपके घर पे कोई स्ट्रेंजर आया तो रॉटवाइलर पहले भौंक के आपको अलर्ट करेंगे, और अगर वो स्ट्रेंजर नहीं रुका तो उस पर अटैक भी करेंगे, क्योंकि रॉटवाइलर बहुत अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं। कोट कलर्स, बात रही कोट कलर की, तो रॉटवाइलर सिर्फ एक ही कोट कलर में आते हैं, वो है ब्लैक एंड टैन। उसके अलावा रॉटवाइलर किसी भी कोट कलर में नहीं आते। बात रही सेंट बर्नार्ड की, तो वो काफी सारे कोट कलर्स में आते हैं, बट मैं आपको सबसे 5 कॉमन कोट कलर्स बता देता हूँ। वो कोट कलर्स हैं रेड एंड व्हाइट, रेडिश ब्राउन स्प्लैश, ब्राउनिश येलो, रेडिश ब्राउन ब्रिंडल और रेडिश ब्राउन मेंटल। बाकी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।